वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको भी एरर आ रहा है कि पासबुक नॉट अवेलेबल एनबी करके आपको एरर आ रहा है, जब आप पासबुक देखने जा रहे हैं ईपीएफओ के पोर्टल पर और आपको वो एरर आ रहा है कि पासबुक नॉट अवेलेबल, तो उस सिचुएशन में क्या करें। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने जैसे कि ये क्वेरी पूछा है, क्वेश्चन करा है मुझे काफ़ी लोगों ने। अगर आप देखेंगे कि मेरे गूगल फॉर्म्स पे भी, तो सर गाइज आपको जो दिखेगा कि काफ़ी लोगों ने मुझे जैसे कि इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट किया है। अगर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा है कि हमेशा लोग कहते हैं कि सर हमारा पासबुक नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, हम जब आप पासबुक देखने जा रहे हैं तो काफ़ी लोग क्वेरी करते हैं ओके सोशल मीडिया पे ओके कि हमारा पासबुक शो नहीं कर रहा था, उस सिचुएशन में क्या करें, हम पीएफ नहीं निकाल पा रहे उस वजह से। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से लेकर अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चाहे तो आप हमारे ब्लॉग को भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ओके। अगर आपको जो भी जानना है पीएफ ईपीएस अदर डॉक्यूमेंट जो भी जानना आप जान सकते हैं। आप हमारे जैसे कि ब्लॉग को जैसे कि हमारे आर्टिकल को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रीड मोर करके आप और भी इसको रीड कर सकते हैं आर्टिकल को। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो जैसे कैसे होता है कि काफ़ी लोग जैसे कि जाते हैं ओके ईपीएफओ के पोर्टल पर यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद फिर जब जाते हैं कि ओके ई पासबुक पे ओके, तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा रीराइडिंग आप हो जाते हैं। अब इनके केस में आपको मैं बताने जाता हूँ, ये मैं केस क्यों ओपन कर रहा हूँ इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज से पहले ओके 6 महीना पहले एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया था ओके, इनके ही केस के बारे में बताया था कि इनका भी एरर आ रहा था कि पासबुक नॉट अवेलेबल एनबी ओके, वो एरर आ रहा था जिस वजह से हम लोग क्लेम नहीं कर पा रहे थे ओके। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब इशू सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जब इशू सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने क्या करा उस 6 महीने के बीच में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब यही काम था, मेरे पास काफ़ी काम होते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि 6 महीना क्यों लगा, रीज़न क्या था। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इनका जब मैं पहले देखता था व्यू पासबुक करता था ओके, तो यहाँ पे लिख के आता था कि पासबुक नॉट अवेलेबल करके आता था ओके। ये माइनस से अभी आप, मैं आपको पूरा बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे ओके। तो उनको ये एरर आता था कि जैसे कि पासबुक नॉट अवेलेबल। तो फिर मैंने क्या किया इस पर ओके, सबसे पहले वीडियो बनाया, फिर उसके बाद अब मैंने सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया ओके, कि मैंने ईपीएफओ को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं किया। सबसे पहले यहीं पे लोग गलती करते हैं कि लोग ग्रीवियंस रेज करते हैं ओके, यही जो है गलत है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जो है आपकी कंपनी में कॉन्टैक्ट करना होता है। तो मैंने जैसे कि सबसे पहले इनकी कंपनी में कॉन्टैक्ट किया, मैंने बोला कि इनकी पासबुक नहीं दिख रही है, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन डाला ही नहीं, और उनकी कंपनी के जो एचआर थे वो बोले कि मैंने जस्ट ज्वाइन करी हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो फिर मैंने इनके सीनियर से बात की, इनके सीनियर एचआर से बात की मैंने इनको, फिर मैंने इश्यू बताया कि जब इनका मैं पासबुक देखने जा रहा हूँ तो एरर आ रहा है पासबुक नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन डाला ही नहीं है ईपीएफओ को। तो इनकी कंपनी ने ये बताया कि हाँ हम अग्री करते हैं कि हमने पासबुक जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूशन ईसीआर चालान हमने डाला ही नहीं, ईपीएफओ को दिया ही नहीं। तो फिर मैं बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको जो है कि प्रॉपर हर महीने का आप ईपीएफ का पीएफ का तो इनका डिडक्शन कर रहे थे, बट आपने क्यों नहीं इनका पासबुक इनका कंट्रीब्यूशन डाला। तो फिर उनके बाद मैंने जैसे कि मैंने बात किया इनसे, मैंने इनको बोला कि ऐसा ऐसा इशू है, इन्होंने 7 महीने आपकी कंपनी में काम किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 से 8 महीना इन्होंने काम किए हैं कंपनी में, लेकिन इन्होंने पासबुक फिर उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन 7 महीने से नहीं डाले। ऐसे इनके काफ़ी कंपनी में, कंपनी का नाम ले लेना चाहता हूँ, लेकिन इस कंपनी में से 98% है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी ने डाला ही नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कंपनी ने हमें ये बताया कि आप काइंडली आप वेट कीजिए ओके, जैसे कि अराउंड 4 से 5 महीना लग सकता है, हम प्रॉपर काम कर रहे हैं कि सारे एम्प्लॉय की जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि उनके पास काफ़ी ऐसे केस आ गए थे, कंप्लेंट आ गई थी, तो इसके लिए बाद इसकी वजह से जो है 6 से 5 महीना लगा, यानी 5 महीना पूरा टोटल लगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब इनका पूरा काम हो गया ओके, जब इनका पासबुक में अमाउंट आ गया, तो फिर मैंने क्लेम किया। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ गाइस, देखो मैंने सबसे पहले इनका अमाउंट निकाला ओके, फॉर्म 19 पूरा फिल किया मैंने 8300 ओके। फिर उसके बाद मैंने इनका फॉर्म 10 से यानी फुल एंड फाइनल इनका मैंने कर दिया, आखिर इनको अमाउंट अच्छा खासा 10,000 तक इनको अमाउंट आ गया, खुश हो गए कंपनी भी। जैसे कि आपको इसके लिए मैं सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका भी ऐसा एरर आ रहा है तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी में कांटेक्ट कीजिए।
अगर कंपनी नहीं कर रही है, अगर रिप्लाई नहीं कर रही, तो फिर आप ईपीएफ कंपनी में, सॉरी ईपीएफओ पोर्टल पे एक ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं ईपीएफ आईजीएमएस की वेबसाइट पर, जिस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसका आई बटन में लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देख लेना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको एक बात लास्ट में सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन यही है कि आपको जो है कंपनी में कांटेक्ट करना होता है, कंपनी कर देती, कभी कभी एसीआर अपडेट नहीं करती है, एसीआर चला नहीं भेजती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बट इन केस ऐसा आपको एरर आ रहा है तो आप अपनी कंपनी में कांटेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद नहीं होता है तो फिर पीएफ ऑफिस का एक सबसे पहले ग्रीवेंस रेज कीजिए, ग्रीवेंस रेज करने के बाद पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, लेटर लिखिए एप्लीकेशन के हमारी कंपनी ने कॉन्ट्रीब्यूशन डाला ही नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।